मिश्री रोटी, पाए, चने, अचार, शक्री, मक्खन, माशा। उस पर अभी हम ही अभी बिल पे कर रहे हैं, हम मेहमान हैं दानिश भाई के। दानिश भाई ने कहा भाई पैसे खुद पे करना, बात सीधी जो आएगा पैसे। हाँ ये फर्नीचर फिर चेंज करना पड़ेगा भाई, है ना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ जी आप सब खैरियत से होंगे, अल्लाह ताला के शुक्र फजल करम से। आज का व्लॉग करते हैं जी शुरू। दोस्तों मुहर्रम की वजह से ना पिछले व्लॉग अपलोड किए हैं, ना ही कोई नया व्लॉग अपलोड किया है, मुहर्रम गुजर चुका है। तो आज नए व्लॉग के साथ आपके सामने हाजिर हैं जी। तो आज जा रहे हैं जी सफ़र पर। टाइम हो रहा है दोस्तों अभी 5:37, और इतने खूबसूरत बादल बने हुए हैं ना, उसकी वजह ये रात तकरीबन 2 बजे के बाद बारिश हल्की हल्की हुई है। ये देखें आपको यहाँ से नज़र आ रही होगी, हल्की हल्की बारिश हुई है लेकिन मुकम्मल सही तरह बारिश नहीं हुई। गर्मी का जोर थोड़ा बहुत टूटा है, वैसे सुबह सुबह बड़ी गर्मी होती है, अब आज तो माशा से हवा भी चल रही है और बादल। लोग भी सोचते हैं कि जब भी सुबह सुबह वीडियो बनाते हैं तो कहीं ना कहीं लंबे सफ़र पर जा रहे होते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज फिर एक लंबे सफ़र पर जा रहे हैं, लेकिन एक दिन का टूर है, वो भी अपने दोस्तों के साथ, हम ही और हसनैन के साथ। तो हम लोग जा रहे हैं जी दोस्तों मुल्तान, इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुल्तान निकल रहे हैं। मुल्तान के लिए सफ़र हमारा शुरू हो रहा है, तो 20 मिनट में मैं लिए पहुंचूंगा, उसके बाद आगे का सफ़र हमारा जी शुरू होगा। ओए थकता नहीं तू, थकता नहीं यार, आज अल्लाह खैर करे। तो चलते हैं जी, वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। अपने दोस्त उज़ैर भाई से मैंने रब्ता किया था कि आज रुक जाना मुल्तान, तो मैं आ रहा हूँ, फिर नाश्ता इकट्ठे करेंगे। वो कह रहा है भाई मैंने सुबह 4 बजे निकल जाना है लाहौर के लिए, तो वो सुबह लाहौर के लिए निकल गया होगा। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, और जिन्हें जिन्होंने दोस्तों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। एक तो सुबह सुबह का टाइम है दोस्तों, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, वो बहुत मज़ा आ रहा है, और ऊपर से इतने खूबसूरत से बादल बने हुए हैं, दिल नहीं कर रहा कहीं जाने को, बस स्लो स्लो बंदा ऐसे चले, लेकिन पहुँचना है 6 बजे इंशाल्लाह। भी दोस्तों पहुंच गया मुझे दफ्तर, हसनैन भी आ चुका है। मैं दफ्तर के सामने खड़ा था। ओ यार पिछली सड़क पे मर्जी है तेरी यार, ये पता नहीं हर दिन पिछली सड़क पे होसी देगी यार, मर्जी है यार, एक तरीका का तने देता। दोस्तों मैं 6:15 का पहुंचा खड़ा हूं, ये बंदा 7:45 पहुंचा है यार, बाइक अंदर पार्क अभी की है ना, तेरी वजह से बाहर ही खड़ा रहा हूं। तरीका का रहता है, आ जा वालेकुम सलाम, आ जा आ जा आ जा छोड़ दे रहा, तो आजा गड़गड़ी रख लिया, आजा ला कर ले। हाँ जी दोस्तों हम लोग अब पहुंच चुके हैं जी पुछ विलास में, रास्ते में सो गए थे, रास्ते में बिल्कुल वीडियो शूटिंग नहीं छोड़ने की, क्योंकि यार इतरात में लेट सोया था, 1 बजे ऊपर से बारिश आ गई थी हल्की हल्की रात, तो फिर अंदर बार चार पहिया करते रहे तो फिर नींद सही नहीं आई। मैंने फिर सैन को कहा आप गाड़ी ड्राइव करो, वहीं पीछे देखो, मैं तो लगा हूँ सोने, सो गए थे। अभी भुज विला में पहुँचे हैं, यहाँ पर बड़ा एक थोड़ा काम था, काम करते उसके बाद अभी नाश्ता हम लोगों ने करना है, नाश्ता नहीं लें भी दोस्तों हमारा हो गया जी चालान। हम लोग खड़े हैं जी सैदा वाले बाईपास से भुज विला गए थे, वहाँ से वापसी आते हुए जी मरा हुआ चलान, ये देखें जी। क्या नंबर है गाड़ी का दोस्तों? पहले हम जब भी लाहौर जाते थे तो हमारा चलान हर सूरत होता था, आज पहली दफा मुल्तान में चलान हुआ, तो हम लोग अब पहुंच चुके हैं जी रशीदाबाद में। यहाँ पर जी बहुत ही फेमस नाश्ता मिलता है, ये देखिए नाश्ते के पॉइंट है, मक्खन, शक्कर, चने, मिश्री रोटी, लस्सी यहाँ से मिलती है जी, स्पेशली हम लोग यहाँ पर नाश्ता करने के लिए आए हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है। ये जी दोस्तों पहले हमने मंगवाया जी जग लस्सी वाला, और माशाल्लाह मिश्री रोटी,
पाए, चने, अचार, शकरी, मक्खन, माशाल्लाह माशाल्लाह। यार कोई और रोटी भी ले आना साथ ही। हाँ सादी रोटी। भाई पहली दफ़ा आप नाश्ता कर रहे हो यहाँ से? नहीं हाँ एक दफ़ा आया हमें तुम्हारे घर 4 साल पहले। 4 साल पहले हसनैन आया ही पहले? लोरों इतना आया हमें तुसा करवाया नाश्ता उसके अंदर बैठे से। अच्छा वाल तो वहाँ तू ये हॉस्टल भी नहीं कहीं नज़दीक ही आई गालबन बहुत दूर आई नहीं यार नहीं तो वाल जा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम दोस्तों ये है जी मिस्सी रोटी। अच्छा दोस्तों हम लोग ना नाश्ता करके आ चुके हैं जी वापस 9 नंबर की तरफ। तो हम लोग ना यहाँ पर 2-3 काम करने के लिए आए हैं। एक तो काम है खास कर हमारे हमायों भाई के हेड ट्रांसप्लांट का। हमारे एक दैया के दोस्त हैं उन्होंने गाइड किया है कि आप मुल्तान गुलकश्त में एक डॉक्टर हैं आप उनसे एक बार ना कंसल्ट कर लें एक बार उनसे मिल लें वो आपसे बेहतर गाइड कर सकें और वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं क्योंकि उन्होंने खुद भी ये ट्रांसप्लांट कराया हुआ है। अभी हम लोग जा रहे हैं जी गुलकश्त की तरफ। चलते हैं डॉक्टर से मशवरा करते हैं हेयर ट्रांसप्लांट अगर हमें वो डॉक्टर अच्छे लगे तो करवाएंगे लेकिन अभी नहीं करवाएंगे। अभी हमने एक लंबे टूर पे जाना है क्योंकि टूर पे जाएंगे तो ये मसले बनेंगे तो इसके लिए बड़ी हिफाजत करनी पड़ती है ट्रांसप्लांट करने के बाद। तो पहले टूर करेंगे उसके बाद इंशाल्लाह ये ट्रांसप्लांट करेंगे। आज बड़े खुश खुश नज़र आ रहे हैं आखिर इनका भी तो दिल करता है कि सर हम कंगी चलाएँ। 6 नंबर है दोस्तों जहाँ से हम लोग ने टर्न करना है। हम लोग ने अब जाना है जलाल मस्जिद चौक पे वहाँ पे। ये यार असला रहम करे बहुत रुखे हालात है लामर हुक्मरानों को हदायत दे। तो इस तरफ चलते हैं दोस्तों हम लोग जलाल मस्जिद चौक की। दोस्तों हम लोग पहुंचे हैं जी टोनियन गैप पे वापडा टाउन में। यहाँ से भी कुछ शेव करवानी है और कटिंग करवानी है मायों भाई ने और साथ हाइड्रो फेशियल करवाना है। मायों भाई और हसनैन भाई करवा रहे हैं जी हाइड्रो फेशियल। मायों भाई का हो चुका तकरीबन आखिरी मरहले में। पहुंच चुके हैं दोस्तों चेजब। हसनैन भाई थोड़ा काम पे चले गए हैं हम लोग चेजब चले गए और मौसम देखे यार क्या कमाल के बादल बन गए हैं जी। हमें भाई अंदर चला जा। हम लोग जी टोनियन गैस से निकल कर फिर आए थे चेजब। कोई बैग वगैरह लेना था सिस्टर के लिए बैग लिया चेजब से निकल। दानिश भाई को बुलाया दानिश भाई हमें लेने आ रहे हैं जी। ओ उस गली के उस नुकर पर आएंगे। बादल बड़े खूबसूरत बने हुए हैं यार। दुआ करो आज मुल्तान में बारिश लग जाए और मुल्तान की बारिश काफ़ी अर्से बाद हम एंजॉय करेंगे। हसनैन भी हमें छोड़ के गए हम लोग चेजब गए तो हमें कहते हैं यार जब से हम गाड़ी से उतरे ना गरीब गरीब लगते हैं गर्मी ज़्यादा है। अपनी गाड़ी लेंगे फिर इंशाल्लाह अमीर अमीर हो जाएंगे। अभी दानिश भाई इस साइड से आएंगे लेने हमें तो पहले हमें भाई कह रहे हैं जूस पी लेते फिर हॉस्टल। दानिश भाई आ चुके हैं ये जी छुप गए रिक्शे के पीछे ये जी आ गए। आ जा आ जा आ जा आ जा इधर 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 क्या हाल चाल है ठीक है? तो मैं ऐसा पहले जूस पिला सब प्यास लगी होती है जूस पी यार एक गल ले और तभी से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा यार हमें ख्याल करें ना गुड़े ख़राब है। दोस्तों बारिश शुरू हो चुकी है हम लोग ने यहाँ से जूस पिया अभी हमें यहाँ भी बिल पे कर रहे हैं। हम मेहमान हैं दानिश भाई के। दानिश भाई ने कहा भाई पैसे खुद पे करना बात सीधी जो आएगा मैंने पहले पता थोड़े शहर बारिश थी कि असें तो अंदर पाओ ना बारिश ਤੇਰੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਜੀ ਲਈ ਆ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਆਈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਆਈ ਆ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਰਹਿਮ ਹਾਂ ਠੀਕ ਮਹਿਮਾਨ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਮਤ ਆਲੀ ਜੀ ਰਹਿਮਤ ਕਿਤਾ ਮਿਲ ਸੀ ਅੱਬ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕੈਂਟ ਕੀ ਤਰਫ ਹਸਨੈਨ ਨੇ ਆਫਿਸ ਕੇ ਲਈ ਇੱਕ ਚੇਅਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। पहुँच चुके हैं दोस्तों जी उसी जगह पे जहाँ से आज 3 साल पहले मैं आया था उज़ैर भाई के घर के लिए प्लेट्स लेने मास्टर टाइज लेने। तो फिर पहुँचे हैं जी उसी जगह पर यहाँ से लेनी हम लोगों ने एक ऑफिस के लिए चेयर। दोस्तों मेरी तरक्की तो सड़ते होते हैं खास कर हम ही ओए भाई 3री मंजिल पे ले आए भाई। वाह जी वाह ज़रा सारे रूम की डेकोरेशन है ये आप लोग जो मतलब हाल में किचन बनाया तो उसका सेटअप है सारा लगाया हुआ ज़रा। ये जी छोटा किचन होता है जो ऊपर लदा बनाया जाता है। हाँ जी भैया बनवा यार सिस्टम ऐसे ही अपने दूसरी मंजिल पे बनवाते इंशाल्लाह। ज़बरदस्त कुर्सी ले ले
अच्छी है। नहीं मतलब फर्नीचर का टेबल थोड़ी जगह है ना। हाँ ये फर्नीचर फिर चेंज करना पड़ेगा भाई, है ना, फर्नीचर फिर चेंज करना पड़ेगा सारा, उसके लिए फिर सब्र करना पड़ेगा हमें। फिलहाल ये चेयर ले ले। नहीं ना, अगर ये चेयर लेते हैं तो पूरा ऑफिस का फर्नीचर चेंज। हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, तो मैंने से यही कहा है या एक ये ले लें या एक ये ले लें, इन दोनों में से ले लें, क्योंकि बड़ी अगर हम चेयर लेते हैं तो हमारे ऑफिस में चार रूम है, चार रूम का ऑफिस का फिर सेटअप या फर्नीचर वगैरह सारा चेंज करना पड़ेगा। तो फिलहाल हमारा जो फैसला है ना वो इसी पे है, इंशाल्लाह ये ले लेंगे। तो प्लान तो यही है, बाकी भाई साहब दिखा तो बहुत कुछ रहे हैं हमें, इंटरवुड वाले हैं जी माशाल्लाह, ये देखेंगे। हाँ जी पूरा सेटअप लेना, फिर जहाँ लॉक करना चाहिए वहाँ लॉक हो जाए, पूरा सेटअप ले लेना, पूरा सेटअप ले ले, एक दो माह इंतजार करके है मेरा ऑफिस रूम से बड़ा है। दोस्तों हम लोग आ चुके हैं SSA टावर में, SSA टावर है जी डेरा अड्डा में। तो यहाँ पर हम लोग ने एक चेयर देखनी है ऑफिस के लिए, ये देखें ये सामने तीसरी मंजिल पे हम लोग खड़े हैं इंटरवुड्स पर जगह पर, तो ऑफिस के लिए एक चेयर पसंद करनी है। ये देखें डाइनिंग वगैरह के लिए सारे फर्नीचर सेटअप लगाया हुआ यार, बहुत कमाल का इन्होंने सजाया हुआ। ये देखें इस साइड पे देखें, ये देखें जी कमाल हो गया जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत है। खर्चे थी ना तो चर्चे थी ना, हम लोग पहुँच चुके हैं अब दोबारा घंटा घर में, डेरा अड्डा गए थे वहाँ पे हमें चेयर्स पसंद नहीं आई, क्योंकि जो हम चाहते थे वो हमें मिली नहीं ऑफिस के रिलेटेड, और ऑफिस के फर्नीचर के मैचिंग के हिसाब से नहीं मिली। तो अब हम लोग आए दोबारा जी घंटा घर में, घंटा घर में यहाँ पे एक मार्केट है, सेट लेफ्ट चलना मार्केट है जी चेयर्स की, वहाँ जाकर देखते हैं अगर हमारे ऑफिस के फर्नीचर के सेम मिलती है तो इंशाल्लाह हम ले लेते हैं। ये है जी घंटा घर। हाँ जी दोस्तों हमने जी एक चेयर ले ली है, ये है जी चेयर के बॉस कंपनी की है, 32,000 की ली है, और शॉप का नाम है जी न्यू एशिया फर्नीचर शॉप घंटा घर, कचहरी रोड की तरफ है, अगर इस तरफ आप आए तो ये है जी शॉप। और चलते हैं गाड़ी में, रखवाते हैं जी, दुआ करें गाड़ी में आ जाए। उस सीट तरह की एक मिनट है वो आप कर देने। अच्छा हाँ ये ठीक है, ऐसे भाई खाने का ऑर्डर कर दे, भूख बड़ी लग रही है, चेयर ले लिया दोस्तों हमने, सीधा चल कचहरी, कचहरी से 9 नंबर से फिर वापस हम लोग गुलगश की तरफ जाएंगे। दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं जी मिजाज पे, सारे दिन की जो रूटीन थी काम काज वो आपके साथ शेयर किया, अब पेट पूजा भी होनी चाहिए, बड़ी भूख लग रही है। पेट पूजा है ना, पेट पूजा भाई इधर लगा दे, अच्छा इधर भी कर रहे आजा, देसी मुर्गे बने खड़े हैं, वाह जी वाह। दोस्तों ये है जी खुड्डे इनके देसी मुर्गे मिजाज वालों के, ये हमारे कबाब, हमने ऑर्डर क्या क्या कहते हैं भाई, कबाब और बटेर और मटन अफगानी, बटेर बटेर भाई मैं ने खाने अफगानी है, मैं और हसनैन भाई ने खाने, लेकिन अभी आए हैं जी कबाब जी माशाल्लाह माशाल्लाह, ये मटन हो गया दोस्तों, ये हमारा जी जी। दोस्तों हम लोग पहुंच चुके हैं जी दफ्तर, मैं जा रहा हूं जी अपने घर की तरफ, हम यहाँ पे चले गए अपने घर, हसनैन भाई अपने घर जा रहे हैं जी। तो उम्मीद करते हैं जी दोस्तों आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में, अल्लाह हाफिज़।